बहुत ही खुशहाल बात है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में वापस आ रही है, और बहुत अच्छा लगा अपने होम में खेल के, कराची में स्पेशली खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद जो है कराची में क्रिकेट हुई, और जिस तरीके से पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया सबसे ज़बरदस्त वो था। आई थिंक इसमें PCB को बहुत क्रेडिट जाता है, CT साहब हैं, और उसके अलावा हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारी फोर्सेज हैं, फौज है, हमारी एजेंसीज है, पुलिस है, तो आई थिंक तमाम लोगों को बहुत अखराज की जाता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच ऑर्गेनाइज़ किया। तैयारी ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अभी हमारा कैंप लगेगा 11 तारीख से लाहौर में, और उसके बाद वहाँ पर हमारे 2 4-day गेम्स हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है हमेशा से इंग्लैंड का टूर टफ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी तैयारी करके जाएं ताकि वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। जो प्रोबेबल्स हैं उसमें बिल्कुल फवाद आलम का नाम है, ये तो अभी जब टीम बनेगी उसके बाद, अभी तो पहले सबके फिटनेस टेस्ट है, तो देखें जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस किए कैंप में बुलाया इसका मतलब वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी बेस्ट टीम होगी वो सिलेक्ट होगी। यार अभी तो मेरे ख्याल से अभी ख़त्म हुआ है, तो थोड़ा सा अभी गैप करेंगे, हालाँकि कल हमारी एक मीटिंग हुई है और हमने कुछ चीज़ों पर बात की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो इस सीज़न में गलतियाँ हुई हैं वो पिछले सीज़न में नहीं होंगी। तो ऐसा कुछ काम नहीं है, जो अपना नेचुरल गेम है वही खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट की हर किसी को ज़रूरत है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी इंप्रूवमेंट की चीज़ें हैं वो बैटिंग पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी नज़र आएंगे।